निकल खड़े हैं यहाँ पे हैं, अजलान से मोहब्बत है। अगर नहीं कर पाए तो खामोशी से उठ के चले जाना, लंबी मत करना। और क्या पसंद है? आपकी मोहब्बत। मैं अपने अप्पू को भी लेके आ जाता, मेरे अप्पू भी बड़े डेयरिंग है। मुनाफिक लोगों के साथ रहने से बेहतर है इंसान अकेला रह ले। आई लव यू, आई लव यू। अरे उधर जाओ ना यार। अपने गर्लफ्रेंड के साथ चूमा चाटी कर रहा है। टाइमर लगाओ एक मिनट का, एक मिनट में मेकअप उतार ले। पाकिस्तान का पहला सबसे बड़ा डिजिटल रियलिटी शो फनकार। जिसमें आए पाकिस्तान भर से कंटेस्टेंट और उन्होंने दिखाई अपनी फनकारी। किसने मनवाया खुद को और किसने दिलाया गुस्सा अजलान शाह को। शुरू करते हैं फनकार की फनकारी। रिजवान खान जी, अहमद भाई, बाहर एक लड़की खड़ी हुई है। एक नहीं, बहुत सारी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अभी जो अंदर आ रही है वो एक है। अच्छा, वो एक है, ठीक है। और वो कोई आम लड़की नहीं लग रही है ना। अब वो बुलाएंगे तो टैलेंटेड। शी इज वेरी टैलेंटेड। बुला ले। इंग्लिश खत्म हो गई। हाँ, ओके, आइए आइए मैडम, आइए आइए, यहाँ आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जाइए मैडम, हम दोनों के बीच में आ जाइए। ओके, आपका क्या नाम है? फबिया खान। फबिया खान, फबिया, क्या टैलेंट है जो आपको फनकार में खींच के लेकर आ गया? पहला तो ये कि मैं बहुत ज्यादा डेयरिंग हूँ। बहुत ज्यादा डेयरिंग है, डेयरिंग। और दूसरा ये कि मैं अजलान शाह से मोहब्बत करती हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग है अहमद खान। हम पागल खड़े हुए यहाँ पे हैं, अजलान से मोहब्बत है। हो सकती है, वैसे हम भी होस्ट कर रहे हैं शो, अगर आप थोड़ा गौर करें। गौर करने के लिए और भी लड़कियां बहुत हैं, मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। फिर बात ही खत्म हो गई, मकान बात ही खत्म हो गई। हाँ बस, ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बहन, बहुत शुक्रिया, ये बहुत शुक्रिया भैया। अरे ऑडिशन तो जाएं आप, आप जाएं। पसंद है अजलान, पसंद है, बजाएं यहाँ से। अजलान पसंद है, अजलान पसंद है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या अजलान पसंद है तो क्या हुआ? खत्म करो शो। क्यों, तुम्हें नहीं सिलेक्ट किया इसलिए? बस ठीक है यार, ये काट देना भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। तशरीफ रखे जी, बैठ जाए। ओके, क्या करती है जी? क्या करती है आप? स्टडी। क्या स्टडी करी है आपको? मतलब इंटर में हूँ। आपने लिखा है कि आप बहुत डेयरिंग है। हाँ डेयरिंग हूँ, आप जैसे शख्स को चाहना आसान थोड़ी है। क्या? आप जैसे शख्स को चाहना आसान थोड़ी है। ओके, इंटरेस्टिंग। इस शो में क्यों आना चाहती हैं? आपकी वजह से। मेरी वजह से क्यों? ताकि आपको देख सकूं। देख लिया? नहीं। देख तो रही हैं आप, ऐसे देखना थोड़ी होता है। तो क्या करता है सर? अभी देखना बाकी है। अच्छा, ओके, सही, ओके। क्या कर सकती हैं जिससे मुझे लगे कि आप जो हैं काफ़ी इंटरटेनिंग है, डेयरिंग है और आपको इस शो में लेना चाहिए? जो आप बोलें। जो मैं बोलूं? बताए ना, कुछ तो सोच कर आई होंगी, कुछ देखा। मैं सिर्फ आपको सोच कर आई हूं। मुझे क्या सोच कर आई है? मुस्कुराना नहीं, खुदा की कसम बहुत बुरी मुस्कुराहट है तुम्हारी। अगर मुस्कुराओगी ना तो कसम से, भले आपको बुरी लगती हो लेकिन मैं तो आपके लिए आई हूं। मुस्कुराओगी तो आउट है, मुस्कुराना नहीं है तुम्हारा सबसे पहला टास्क है, तुम्हें मुस्कुराना नहीं है। ये स्माइल है ही आपके लिए, मैं तो मुस्कुराऊंगी। यार क्या हो रहा है, आप खुद हंस रहे हैं मुझे देख के, मैं तो मुस्कुराऊंगी। आप मुझे पसंद करती हैं? यस। आप मुझे पसंद करती हैं? यस। क्या चीज पसंद है? आपके लुक्स और आपके स्माइल। लुक्स? आपका फेवरेट कलर जो कि मेरा फेवरेट है। कौन सा? आपके फेवरेट एनिमल्स जो कि मेरे फेवरेट है। कौन सा फेवरेट कलर है मेरा? ब्लैक। सही, इंटरेस्टिंग। तो आपको मेरे लुक्स पसंद है? यस ऑफ कोर्स। और क्या पसंद है? आपकी मोहब्बत। हैं? हाँ। मेरी क्या मोहब्बत? किस चीज के लिए? मुझे चाहिए। मेरी मोहब्बत आपको चाहिए? यस। चले, अगर लुक्स की बात की जाए तो
आपका भी मुझे लुक बहुत पसंद है, आप भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है मेकअप का कमाल है। नहीं, मेकअप का कमाल मुझे लगता है मेकअप का कमाल, लेकिन मेकअप तो मैं आपके लिए करके आई हूँ ना। आप ये मेकअप का कमाल मुझे लगता है। नहीं, ये मेकअप का कमाल नहीं है, मेकअप सिर्फ मैंने आपके लिए किया। मेरे लिए क्या मेकअप? जी मुझे लग रहा है मेकअप कमाल है इनका, पहले मेकअप उतरेगा फिर बात होगी। मैं मेकअप कब उतारूंगी जब आप मेरी बात का जवाब देंगे? क्या जवाब चाहिए? आई लव यू। हैं? आई लव यू। अच्छा लाओ जरा। नहीं मैं नहीं करूंगी, आप मेरी बात का जवाब दे पहले। अच्छा एक बात बताओ, क्या बोला आपने? आई लव यू। आई लव यू, तो बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने बोला आई लव यू, इंटरेस्टिंग। तो मेरे लिए आप मतलब मोहब्बत आपके दिल में है मेरे लिए? Yes, of course. तो मोहब्बत में कुर्बानी दे जरा, मेकअप तो उतारे अपना। मैं मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दूंगी, लेकिन आप एक्सेप्ट तो करें पहले। दूर तो हो थोड़ा, प्लीज। दूर क्यों? खुदा की आवाज से थोड़ा दूर हो जाए। अरे उधर जाए, लाहौर से आई हूँ आपको देखने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, मेकअप उतार दे, सिलेक्शन हो जाएगी। देख रहा है जरा? नहीं भाई मैं लाहौर से आई हूँ आपको देखने के लिए, आप मेरी बात का जवाब तो दें। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, आपको सिलेक्ट होना है? होना। मोहब्बत करती हो? जी। बेइंतहा करती हो? हाँ। मरने के लिए तैयार हो? है ना? मेकअप उतारो जरा। मेकअप तो मैं उतार दूंगी, मेरी बात का जवाब तो दें आप मुझे पहले। मेकअप उतार के मेरी बात? नहीं, मेरी बात नहीं, का जवाब ये सारे मेरी बात का जवाब तो दें मुझे। सारे ड्रामेबाजी है, आप पहले मेकअप उतारे, आप सिलेक्ट है वहाँ जाए। नहीं मुझे आप जवाब दे मेरी बात। वहाँ तो जाइए, क्यों जाऊँ वहाँ? इतनी दूर से आपको देखने आई हूँ और मैं वहाँ चली जाऊंगी तो फायदा? देख लिया, नहीं देखा ना अभी, नहीं देखा। देख लिया, नहीं देखा। आप एक काम करें, आप पहले मेकअप उतार दें, फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। मैंने बात उठा लिया, मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन मेरी बातों का जवाब दे, मेरी बातों का जवाब आप जाए तो। अरे उधर जाओ ना यार, कब से बोल रहा हूँ, जाओ मेकअप उतारो, सिलेक्शन हो जाएगी। मेकअप उतारे फिर मैं आपको अपनी मोहब्बत का जवाब देता हूँ। मेरे ख्याल टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा मेकअप उतारने में। हाँ तो टाइम तो लगेगा ना, इतनी मेहनत से आपके लिए किया था, आप ही उतरवा रहे हैं। एक मिनट का टाइम है आपके पास, इतना घंटे नहीं है हमारे पास। टाइमर लगाओ एक मिनट का, एक मिनट में मेकअप उतारना है। कितने सेकंड्स बाकी हैं भाई? उतर गया? नहीं उतरा नहीं, अभी भी लग रहा है। ये वाटरप्रूफ है, ये नहीं हटेगा लाइनर, बाकी सब उतर गया। यार मेरी कोई टीम में से कोई आए इनका जरा मेकअप उतारने में, जरा हेल्प तो करे प्लीज आप जरा। तो 8-10 किलो का वो टिश्यू दिखाना जरा, वो टिश्यू दिखाना, वो वाला, वो वाला। हाँ सही है, बस ठीक है। अच्छा सुनो एक मिनट, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम अपनी मर्जी से करवा रही हो, राइट? यस यस, चलो करो, आपके लिए कर रही हूँ। बस ठीक है, ठीक है नौरीन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सवाल है मेरे एक आपसे। जी। इतना ज्यादा मेकअप कैसे कर लेते हो? इतना ज्यादा मेकअप कैसे कर लेते हैं? इतनी गर्मी में, वो भी इतना सारा, इतनी बड़ी मोटी लेयर निकली है आपके मुंह से। आप टिश्यूज चेक करना। नहीं मैम यही से देख रहा हूँ काफी है। आपके लिए क्या था? आपके लिए ही क्या था? क्या कर सकती हो अपार्ट फ्रॉम दिस? बोले इससे मुझे लगे कि आपको सिलेक्ट करना बनता है। आप बोले ना क्या करना। मैं जो बोलूँ वो करेंगी। पक्का? श्योर? रेडी? नूडल को लेकर आना जरा, यहाँ आके खड़ी हो जाए। इनके गर्दन में डालना जरा। इट्स टू हैवी, इट्स टू हैवी। हेल्प करो, हेल्प करो। चलो चलो तुम पकड़ो, तुम आदिल, तुम हाथ में लो, तुम हाथ में लो, इनकी गर्दन में मत डालो, हाथ में लो, इस तरफ आओ। वो अजलान है, अपनी मोहब्बत का इजहार जरा अजलान से। इतने जहरीले तो नहीं हो तुम? वो जहरीला नहीं है, वो इसमें जहर नहीं है। आप तो डर रही है, ये अजलान है, वो पप्पी का बच्चा नहीं है, कुछ कुछ कर रही है। मोहब्बत का इजहार करो, मोहब्बत तो बच्चों जैसी है ना। अच्छा अजलान है वाकी? जी वाकी। अच्छा कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
बाद में आपकी सिलेक्शन हो गई, थैंक यू सो मच। वैसे एक बात बोलूं जी, ये मेरी एक्टिंग, ये मिस, ये सब मेरी एक्टिंग, सब आपकी एक्टिंग है। यस, बहुत मैं एज अ एक्टर वर्क करती हूं। मैंने बोला आपको अपना टैलेंट वैसे दिखा दूंगी तो फिर मजा नहीं आएगा, बहुत अच्छा दिखाऊं तो फिर मजा आएगा। बहुत अच्छी एक्टिंग किया, थैंक यू सो मच। लाइकवाइज, थैंक यू, थैंक यू। जिंदगी में करी मैंने ख्वारी सुबह शाम, तब जाके तो मैं बताऊँ आगे करना क्या है, उनको आगे जाके पता चलेगा, सारी मोहब्बत सब नफरत में बदल जाएगी उनकी। नेक्स्ट यार माशाल्लाह, ये डेयरिंग शो है, डेयरिंग शो। मैं अपने अब्बू को भी लेके आ जाता, मेरे अब्बू भी बड़े डेयरिंग है, बहुत डेयरिंग है। अबे एक उंगली से 12 बंदे उठा दिए, नहीं करो पूछ कैसे कैसे, लिफ्ट का बटन दबा के। अच्छा वाह वाह कमाल हो गया, बंदा बुला लो, आ रहा है वो डेयरिंग है, बंदा बुला लो। आइए सर, डेयरिंग वाला कौन है भाई, आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना ही चूम लिया, इधर आ जाए सर, इधर। शाबाश सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल मजूद। सर क्या करते हैं, डेयरिंग है, लविंग है, केयरिंग है, रोमांटिक है, और क्या है मतलब आप? डेयरिंग। डेयरिंग है, डेयरिंग कुछ भी डेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह। सिविक की टंकी फुल करा सकते हैं, जो पेट्रोल के रेट चल रहे हैं? इतना नहीं हूँ। हाँ ये काय का डेयरिंग है भाई? नहीं नहीं ये बेवकूफी है, सच बोला ना मतलब, मतलब एनिमल डेयरिंग है, एनिमल डेयरिंग है ना। तो बस ठीक है, डेयर अपना डेयर दिखाओ जाके, अंदर भेजो इन्हें, अंदर जाए, बेस्ट ऑफ लक, सारे सांप वाप खा जाए जाके, बेस्ट ऑफ लक। शाबाश, सांप खाने का भी डेयर है ये लड़का, बहुत आगे जाएगा। आगे ही चला गया, गया मैंने देखा, बहुत चला गया, चला गया। हाँ गया, कैसे हैं आप? अब्दुल वदूद जी, क्या करते हैं आप साहब? पढ़ता हूँ, एमफिल स्कॉलर हूँ। एमफिल स्कॉलर हो जी, जबरदस्त। इस शो में क्यों आना चाहते हो? मैं आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ काफी टाइम से, और एज पर डेयरिंग थ्रिल और एंटरटेनमेंट तो मैं कंसीडर करता हूँ अपने आप को बहुत डेयरिंग, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। तुम अपने आप को बहुत डेयरिंग समझते हो, क्यों, क्या सोच के तुम्हें लगा कि तुम बहुत डेयरिंग हो? बहुत से सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो मैंने अपने आप को डेयरिंग काउंट करे हैं, मतलब बहुत छोटी उम्र से ही बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हैं। 7th क्लास की बात है, और बचपन में तो हर किसी को क्रश होता है। बस वही वाला क्रश था जब नए नए जवान हो रहे थे और हमें हमारी एक इंग्लिश टीचर से मोहब्बत हो गई थी, तो बस तब ये एक भाई ज्यादा सीक्रेट है जो मैंने किसी को नहीं बताया शक। अच्छा तो ये लिख दिया। सही सही सही, कुछ इंटरटेनिंग करो यार तुम। इंटरटेनिंग क्या करें आप बताएं, जो आप बोलेंगे कर लेंगे, जो मैं बोलूंगा कर लूंगा। एक्टिंग करके दिखाओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, और तुम हो सनी देओल, ठीक है? वो 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग सुना है ना? नहीं मैं मूवीज नहीं देखता। सनी देओल को जानते हो? हाँ जान। उसका कोई भी डायलॉग बोल दो। सनी देओल का कोई भी डायलॉग नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, सीरियसली याद नहीं आ रहा। तो फिर सनी लियोन का बोल दो कोई। उसको मैं जानता नहीं। उसको नहीं जानते? मजाक कर रहा हूँ, जानता हूँ। झूठ बोल रहा है ना? हाँ। जानते हो ना, कब से जानते हो? इंटर के बाद से। इंटर के बाद से? हाँ, जब नए नए स्मार्टफोन मिले थे। बहुत मस्ती है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मुस्कुराहट में जो ना बहुत मस्ती है, बट बहुत डेयरिंग हो। करवाओ फिर अपनी मर्जी का डेयर। हाँ पक्की बात है, पक्की बात। अगर नहीं कर पाए तो खामोशी से उठ के चले जाना, लंबी मत करना। ठीक है जी, सही है, मंजूर है। यार इसके लिए जरा डेयर तो लेकर आओ, जरा एक मिनट, एक सेकेंड, डेयरिंग होना यार, इसके लिए काम करो, जरा करेला लेकर आओ प्लीज। यार भाई कभी जिंदगी में सब्जी नहीं खाई, अभी खा रहे बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा मांसाहारी करेला लेकर आओ। ये क्या आधा करेला है और क्या है? अजामे देखने से कड़वा लग रहा है। अच्छा ये 200 में हुआ था, ये करेला है, कितना बड़ा साइज है दिखाओ, जोड़ के दिखाओ जरा इसको, छोटा करेला है तुम्हारे पास, मैं बताता हूँ, छोटा करेला है बहुत, ये 50 सेकंड का वक्त है तुम्हारे पास, 50 सेकंड के अंदर तुमने खत्म करना है, ठीक है? कर लिया तो आगे जाओगे, वरना यहाँ से घर चले जाना। चलें। सही है, टाइमर लगाओ 50 सेकंड का, 3, 2, 1 स्टार्ट। ये करेला बाहर नहीं आना चाहिए। जिंदगी में पहली दफा कोई सब्जी खा रहा हूँ और करेला। खाओ खत्म करो भाई, कितने सेकंड रहते हैं?
25 सेकंड रहते हैं, जल्दी खत्म कर ले। गिर गया वो, क्या कर रहे हो? खाओ खाओ, फौरन खाओ, फौरन खाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितना आधा खाया करेला? फिर बोलता इस्लाम भाई डेयरिंग काम दे दे। डेयरिंग बोला था, कलेजा टेस्टिंग नहीं बोला था। खैर से बताओगे जैसे कहोगे क्या करना है क्या नहीं करना? नहीं मुझे बताओगे, फरमाइशी प्रोग्राम है, मर्जी के हिसाब से तू पर तुझे मैं है कि बाहर नहीं आना चाहिए करेला? पहले खत्म करो मुंह में से। आलिया वो दिखाओ, इसके लिए दूसरा ट्रेन लेकर आओ जरा। तुम्हें पता है भी तुम्हारे साथ क्या होगा? नहीं नहीं पता। ये क्या कर रहे हो? पहनो जरा इसको, इसके अंदर कॉकरोचेस डालो। यहाँ बैठो जरा, वहां बैठो। इसके अंदर कॉकरोचेस डालो। आराम से पकड़ो। अब 5 मिनट तक ऐसे बैठे रहो। आगे से लॉक करो उसको। ध्यान से ले जा आप लोग। गर्दन पर से कॉकरोच बैठा। जी भाई कैसा लग रहा है? कैसा लगना चाहिए आप बताइए? बहुत अजीब लग रहा है। बहुत अजीब लग रहा है। बहुत कम ऐसे मैंने कोई पागल बंदे देखे, उनमें से एक है। मिलते शो में तैयार रहना, बहुत टफ होने वाला तुम्हारे लिए। आपका नाम क्या सर? दिल मुराद उमरानी। दिल मुराद। और आपका? अली शान। दिलमुराद साहब क्या करते हैं? सर मैं सहाफ़ी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। सहाफ़ी है? बलसान होता हूँ मुझसे। जी सर। सहाफ़ी तो वो होता है जो झूठ को सच कर दे और सच को झूठ कर दे। नहीं सर ऐसा ही है। बिल्कुल ये नहीं है सर। ऐसा ही है जो झूठ को सच साबित करा और झूठ को, इसको हम सहाफ़ी नहीं कहेंगे सर। क्या कहते हैं इसको? येलो जर्नलिज्म कहेंगे। येलो जर्नलिज्म। जी सर। अंडे का कलर क्या होता है? जी सर अंडे का रंग क्या होता है? अंडे का पीला होता है। और बाहर से? बाहर से सफेद है। सफेद होता है? जी हाँ। अंडे का जो रंग है बाहर से वो काला है? जी सर। ये चीज़ आप मुझे साबित कर दें दलाइल के साथ। आपने मुझे ऐसा कन्वेंस करना है अपनी रिपोर्टिंग से, अपने स्किल से, कि मुझे लगे यकीन आ जाए कि अंडे का रंग जो है वो काला है। सर आप स्किल दिखाने हैं ना यहाँ पे? जी सर जी। आप चाहते हैं ना कि आप एक रिपोर्टर हैं, आप माने जाए? जी सर। तो कुछ इस तरीके से मुझे बताएं कि मैं यकीन कर लूँ कि अंडा काला होता है। जी सर। बस जो दिल का काला होगा तो इस तरह होता है ना, अंडा तो वो सफ़ेद होता है सर। क्या बोल रहे आप? अंडा तो सफ़ेद होता है ना सर, उसको काला बनाना है। काला अगर उसको गलत रंग देगा तो काला बनेगा सर। बात पसू में आप चले काम करें। ये शख्स बैठा हुआ है यहाँ पर, ये एक सिंगर है। जी सर। ये पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है ना बैठा हुआ रूमानी बातें कर रहा है।
सही है, और आपने इन पे रिपोर्ट बना दी, इनकी इनकी रिपोर्टिंग जो है ना वो लाइव हो रही है। सही है, आप एक लाइव चैनल पर है, वो कैमरा तुम इधर आओ, वहाँ खड़े हो, ठीक है। ये वहाँ पर जो है ना फुल एक खातून के साथ गैर मयारी हरकत कर रहे हैं वहाँ पे पार्क में, और आपने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया है, आप कैसे रिपोर्टिंग करेंगे बता दें। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ ये गर्ल फ्रेंड के साथ मौजूद है, जो गलत जो जी आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अपने गर्ल फ्रेंड के साथ मौजूद है, जो गलत हरकतें कर रहा है, तो मैं यही दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। क्या गलत कर रहा है जी सर? क्या गलत कर रहा है बताएं ना। ये कैमरे में शूटर लाइव जा रहे हैं आप, लाइव है जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ टूटा ये गलत कर रहा है, तो हमारे दिखाने का मकसद इस तरह नहीं होना चाहिए। क्या गलत कर रहा है भाई बताएं तो जी, जो चुमा हो रहा है और उसके किससे ले रहा है सरेआम, मुझे क्या देखे ऑडियंस, आप लाइव है, आप चैनल पे लाइव जा रहे हैं अभी, जी हाँ, लाखों लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, आप रिपोर्टिंग करें, सही से रिपोर्ट करें जी सर, एक भी गलती होगी फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा सर, जी सर, क्योंकि न्यूज़ चैनल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जी अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दिल मुराद उमरानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यहाँ जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ये मौजूद हैं, जो एक दूसरे को किस कर रहे हैं और छोटे मिसाल चूमे लिए जा रहे हैं, लेकिन ये एक हमारे जो हमारे लिए बहुत गंभीर है, गलत किया जा रहा है, हमारे माशरे में इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं मेरे दिखाने का मकसद है कि मैं दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। दिखाने का मकसद क्या है जी सर बताएं ना, लाइव हैं आप? जी जी सर जी। अगर सर, सुने सर, वन फ्लो में देना, अगर आप अटके तो आप रिजेक्ट हैं, ठीक है, बराए मेहरबानी शुरू से आए, बिल्कुल, इन 3, 2, 1 स्टार्ट। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड के साथ चूमा चाटी कर रहा है, जो गलत काम किया जा रहा है इसके साथ सरेआम यानी के लोगों के साथ, तो आज हमारे दिखाने का मकसद इस तरह नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे इस माशरे में हमारे बलोची रवायत के ये बहुत गलत हो रहा है, तो इस तरह हमारे इस जो जो इलाके में नहीं होना चाहिए, तो और चूबा चाटी भी हो रहा है, तो गुजारिश करूंगा कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आइए जाके उनसे बात करते हैं, क्यों कर रहे हैं, जाए बात करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? जी जी, आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ ये चूटा ये चूमा हो रहा है कि सो रहे हैं? यहाँ तो नहीं हो रहा है, फिर कहाँ हो रहा है? हमारी गर्लफ्रेंड तुमने छुपा दी है पीछे, छुपा दी है तो नहीं है, आपको कैसे पता चला? हमने गलती की लाइव है, आप गलती हुई आउट। जी सर, आपको कैसे पता चला गर्लफ्रेंड छुपा दी? मुझे तो ये आपको मैंने बताया, आपको हाँ सर अजलान भाई ने बताया तो पता चला। सर आप, मैं समझता हूँ आप सहाफत में जो ना और मेहनत करें। जी सर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ना मजीद थोड़ा निखारे। हम एक साल हुआ है, 7-8 महीने हुए, अभी 7-8 महीने हुए, चले सीजन 2 में आएगा फिर इंशाल्लाह, ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू दिल मुराद साहब। यस, आइए सर, ओके सर, आइए अलीशान साहब। अलीशान साहब क्या करते हैं? सर मैं एज अ प्रोफेशनल तो मैं बच्चों के खिलौने होते हैं वो सेल्स करता हूँ, छोटा सा स्टॉल है मेरा, सेल्स करता हूँ। अच्छा, वो बच्चों के खिलौने बेचते? और बस वही छोटा सा स्टॉल है उसी पे। यहाँ क्यों आना चाहते हो, फनकार में क्यों आना चाहते हो? सर क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है, और दूसरा मुझे शौक भी है सिंगिंग का, और मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ कि मैं इस मकाम पे पहुँच जाऊँ कि दूसरों की मदद भी करूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल। लेकिन सिर्फ सिंगिंग से बात हल नहीं होगी ना, यहाँ पे तो और भी चीज़ें करनी पड़ेगी, तैयार हो उस चीज़ के लिए? सर जो बस में होगा मैं बिल्कुल पीछे नहीं हूँ। ठीक है, जो बस में होगा वो कर लेना, नहीं कर सके तो खामोशी से बाहर चले जाओगे, ठीक है, ग्रेट। यार इनके लिए कोई टास्क भेजें प्लीज़, इनके लिए टास्क भेजें कोई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अलीशान, अलीशान क्या है ये? करेला। करेला खाना है, 1 मिनट के अंदर खा लिया आगे जाओगे, नहीं खाया घर जाओगे। पूरा करेला? जी बिल्कुल। कर जा या घर जा?
एक मिनट का टाइम है और आपका वक्त शुरू होता है। थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? हाँ, पानी मिल जाएगा। आपका वक्त शुरू होता है इन 3, 2, 1 स्टार्ट। नहीं गाया जा रहा? चलेगा जी। थैंक यू सर। जैसा कमजोर और धोखेबाज इंसान को